नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ संध्या अनमोल और आप देख रहे हैं बातें खेती की। दोस्तों, फसलों व पौधों को नशी जीवों, बीमारियों, खरपतवारों व अन्य हानि पहुँचाने वाले कारकों से सुरक्षित रखने को फसल सुरक्षा या पौध संरक्षण कहते हैं। आज़ादी के बाद रासायनिक कीटनाशकों एवं उर्वरकों का प्रमुख कृषि निवेश के रूप में प्रयोग किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप एक तरफ तो कृषि उत्पादन बढ़ा है, परंतु दूसरी तरफ तरह तरह की पर्यावरण एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ी हैं, जिनकी वजह से पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया है और कृषि उत्पादन की लागत में भी वृद्धि हो गई है। अब ये प्रश्न उठता है कि उपयुक्त चुनौतियों के होते हुए कम से कम लागत से प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिक से अधिक पैदावार कैसे की जाए, ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो सके। और आज इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं कृषि मंत्रालय के रिटायर ऑफिसर राम आश्रे जी। राम आश्रे जी, हमारे कार्यक्रम बातें खेती की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। राम आश्रे जी, आज हमने जो विषय रखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखा है, क्योंकि हमारे इस बदलते पर्यावरण, इस बदलते मौसम में इस विषय पर चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी हो गया था, क्योंकि किसानों को हमें जागरूक करना है। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि आईपीएम है क्या? धन्यवाद। मैं सबसे पहले मैं ग्रीन टीवी को अपनी तरफ से इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि ग्रीन शब्द यूज हुआ है, ग्रीन टीवी में ग्रीन शब्द, हरा शब्द यूज होता है जी। ग्रीन का मतलब है सुरक्षित, बिल्कुल, और रेड का मतलब होता है नुकसानदायक जी, खतरा जी। तो सुरक्षित, हाउ टू प्रोवाइड ए ग्रीन, सुरक्षित जी, फसल जी। सुरक्षित खाना हम किस आदमी को कैसे प्रोवाइड करें, इसका एक मुख्य उद्देश्य आज का यही है जी, कि हाउ टू प्रोवाइड ए सेफ फूड जी टू ईट, हाउ टू प्रोवाइड सेफ वाटर टू ड्रिंक, हाउ टू प्रोवाइड सेफ फॉडर टू फीड द कैटल, हाउ टू प्रोवाइड सेफ फीड टू द पोल्ट्री, एंड हाउ टू प्रोवाइड सेफ एनवायरमेंट टू लिव द ह्यूमन कम्युनिटी, करेक्ट। सो फॉर दिस पर्पज, एक्चुअली इस उद्देश्य को रखने के लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगा, बिल्कुल। जिस समय देश आज़ाद हुआ था, उस समय हमारा देश खाने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, बिल्कुल। तो भारत सरकार ने 1948 से लेकर और 52 तक एक कार्यक्रम चलाया जिसको ग्रो सेफ फूड कहते हैं, ग्रो मोर फूड कार्यक्रम चलाया, जिसका एक उद्देश्य यही था कि पर यूनिट एरिया हम अपना खाद्यान्न को कैसे बढ़ाएं, जिससे हम अपने जो देश के जो जनता है उसके खाने की पूर्ति को सुरक्षित कर सकें और फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। इसके लिए इसके बाद भारत सरकार ने 4 इनपुट्स तैयार किए, एक सिंचाई के साधन, हाई यील्डिंग वैरायटी, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर जी। इनके उपयोग से हम आत्मनिर्भर हुए और ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, आगे हुआ, और हम लोग अब भोजन के लिए हम अपने ऊपर निर्भर हैं, आत्मनिर्भर में किसी के लिए। अब सवाल ये हुआ कि जब हमारे पास पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर जैसे केमिकल्स आए, इनका उपयोग करना चाहिए जी, लेकिन हुआ ये क्योंकि खेती का जो प्रैक्टिकल यूज जो है वो किसान करता है, किसान हमारा इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो इस वजह से हमारा जो उपयोग ना हो करके उसका दुरुपयोग हो गया, बिल्कुल। दुरुपयोग करने से जो बहुत सारे हमारे पेस्टिसाइड के जो दुरुपयोग दुष्परिणाम साबित हुए, जिससे हमारे स्वास्थ्य बिगड़ा, हमारा पर्यावरण बिगड़ा, हमारे जो जो फसल वातावरण है, एग्रो इकोसिस्टम, उसमें भी बदलाव आया, और जिससे इन सब फसल बदल पर्यावरण के बदलाव के लिए, स्वास्थ्य के लिए जी, और इन सब चीजों को कैसे बचाया जाए, इसके लिए एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन नाम की एक पद्धति डेवलप की गई, जिसमें हमें सवाल किसी भी नाशी जीव की संख्या को इतने निम्न स्तर तक गिराना है कि उससे होने वाला जो नुकसान है वो नगण्य हो, निग्लिजिबल हो, बिल्कुल। इट इज ए सप्रेशन ऑफ अ पॉपुलेशन टू ए लेबल बाय एनी मींस, बिल्कुल, टू ए लेबल एट विच द हार्म इज इन्फ्लिक्टेड टू इनसिग्निफिकेंट और माइनर, बिल्कुल। दिस इज कॉल्ड एज पेस्ट मैनेजमेंट जी। इफ वी वांट नाउ व्हाट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जी, इन इंटीग्रेटेड व्हेन मोर देन वन मेथड ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट इज यूज्ड इन ए कंपैटिबल मैनर जी, देन इट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। एक से अधिक
जी वनस्पति संरक्षण की विधियों को जब एक साथ जी यूज करके प्रयोग करके और नासी जीव की जो संख्या को एक आर्थिक हानि स्तर के नीचे रखा जाता है तो उसको एकीकृत नासी जीव प्रबंधन कहते हैं। इसका उद्देश्य यही होता है कि इससे जो फसल पर जो हमारा जो है कम से कम लागत में भरपूर उत्पादन हो सके और उससे पर्यावरण को नुकसान कम से कम हो। बिल्कुल, अब जिस तरह से आपने बहुत ही बखूबी हमारे सब्जेक्ट को, हमारे इस चर्चा के विषय को बखूबी आपने समझाया है, अब इस विषय में जो आईपीएम है इसका क्या महत्व है और आईपीएम है क्या? देखिए इंटीग्रेटेड, जैसा कि हमने बताया है कि इंटीग्रेटेड ये तीन शब्दों से बना है जी, इंटीग्रेटेड पेस्ट और मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड जो है का मतलब होता है एकीकृत करना जी, एकीकृत करना जो है यानी इकट्ठा करना, टू यूज इन कॉम्बिनेशन जी, किसी चीज को इकट्ठा यूज करना। और कब यूज किया जा सकता है इसको? प्रायोरिटी बेसिस पर, सुटेबिलिटी के बेसिस पर, कॉम्पेटेबिलिटी के बेसिस पर, फिजिबिलिटी के बेसिस पर इनको एकीकृत किया जा सकता है जी। परंतु जो एकीकृत करने का एक मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि सबसे पहले एकीकृत क्यों नहीं हो पा रहा है जी, पेस्टिसाइड को क्यों नहीं महत्व दे रहा है, महत्व दिया जा रहा है जी। उसका कारण ये है कि हमें हमारे माइंड सेट को एकीकृत करना पहले जरूरी है। बिल्कुल, वी हैव टू इंटीग्रेट द माइंड सेट ऑफ पीपल जी, पीपल में फार्मर्स भी आ सकते हैं, ऑल द स्टेक होल्डर्स हमारे जो एकीकृत जो एग्रीकल्चर के जितने स्टेक होल्डर्स हैं इनके सबके माइंडसेट को, मानसिकताओं को एकीकृत किया जाए, क्योंकि उनके बीच में एक मानसिकता ये है कि सिर्फ जो केमिकल रसायन है या केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं दे आर ओनली पेनिसिया टू मैनेज द पेस्ट। करेक्ट, ये पेनिसिया नहीं है, देर आर मैनी मेथड्स, मैनी कल्चरल मेथड्स, मैनी मैकेनिकल मेथड्स, many biological methods they are available to manage the pest population and in case of integrated pest management this chemical control must be used as a last resort. Thing is how to utilize. बिल्कुल करेक्ट, हम आपके पास वापस लौटेंगे और पौध संरक्षण से जुड़ी और बहुत सारी जानकारियां लेंगे और उन जानकारियों से अपने किसान भाइयों को रूबरू कराएंगे, लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पौधों का जो संरक्षण है वो आईपीएम किस प्रकार से करता है? आईपीएम का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपका जो जो फसल है उसका टोटल खर्चा कम से कम हो, लागत कम से कम हो, फसल उत्पादन कम अधिक से अधिक हो और स्वास्थ्य संबंधी या पर्यावरण संबंधी नुकसान ना हो। तो इसके लिए हमें टोटल ये इट इज ए टोटल पैकेज ऑफ कंप्लीट स्ट्रेटजीज, इट इज सभी स्ट्रेटजीज का एक पैकेज है। ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वर्तमान समय में जहां एक और उत्तम किस्मों के आने से तथा उत्तम फसल प्रबंधन अपनाने से फसल की पैदावार में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर कृषि पारिस्थितिक तंत्र में भौतिक जैविक सस्य परिवर्तनों के कारण फसल में तरह तरह के कीड़ों व बीमारियों में भी वृद्धि हुई है। रासायनों के अंधाधुंध तथा बिना सोचे समझे बार बार प्रयोग से कीड़ों तथा बीमारियों में प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है, जिससे रासायनों के निर्धारित मात्रा का प्रयोग करने से ये कीड़े या बीमारियां नहीं मरते हैं बल्कि कुछ दिनों के बाद इनकी संख्या और बढ़ जाती है। अब ऐसी स्थिति में सवाल ये उठता है कि ऐसी परिस्थिति में रासायनों का प्रयोग करना पर्यावरण के प्रदूषण को बढ़ावा देना है, तो ऐसी स्थिति में पौध संरक्षण कैसे करें? आपके पास वापस आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, अब जिस तरह से लगातार मौसम बदलता जा रहा है, पर्यावरण हमारा प्रदूषित होता जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए किसानों को पौध संरक्षण किस प्रकार से करना चाहिए? मैडम, देश का हर किसान जी अगर सच्चाई पूछी जाए खेती करने में बहुत सारी विधियों को अप्लाई करता है, बिल्कुल यूज करता है जी, वो एकीकृत नासी जीव प्रबंधन स्वयं से करता है जी, वो खेत के लिए अपने खेती के लिए
उत्तम बीज कहीं से लाता है, करेक्ट, फिर खेती की जुताई करके ग्रीष्मकालीन जुताई करता है जी, सिंचाई समय पर सिंचाई करता है, सही तरीके से बुआई करता है, सही तरीके से उसकी खरपतवार की निकाई गुड़ाई सब कुछ करता है जी, और उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारा जो है फसल उत्पादन अधिक से अधिक हो और खर्चा कम से कम हो। सवाल सिर्फ इतना उठता है कि जब वो स्वयं करता है तो वो कहाँ गलती करता है, जी कहाँ गलती करता है, तो वी हैव टू रीडायरेक्ट देम टू राइट डायरेक्शन जी, कि सब आप ये काम करने से इसमें हमारे फसल का जो पर्यावरण है वो नुकसान करेगा, करेगा, इसके साथ में हमारा स्वास्थ्य भी खराब होगा। बिल्कुल, पर हम मना नहीं करते हैं कि आप इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में आप इंसेक्टिसाइड केमिकल इंसेक्टिसाइड का उपयोग मत करो जी, आप उपयोग करिए, बिल्कुल तब करिए जब हमारे जो नासी जीव की संख्या है वो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से पार कर जाए। जी, उससे पहले हमारे जो है कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जिसको शस्य क्रियाएं कहते हैं, मैकेनिकल प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम बहुत सारी यांत्रिक प्रैक्टिसेस कहते हैं, यांत्रिक क्रियाएं कहते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल से भी हम इसको नियंत्रण कर सकते हैं जी, और बायोलॉजिकल कंट्रोल जब हमें कुछ भी नहीं सवाल होता है कि हमारी खेती बिल्कुल मर रही है और हमारे अब पैदावार होने की चांसेस नहीं है या पेस्ट जो है नासी जीव इन सभी विधियों से नियंत्रित नहीं किया जा सकते हैं, मैनेज नहीं किया जा सकते हैं, तो अंत में हम उसको केमिकल कंट्रोल को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर राम आश्रय जी जो IPM है वो किन किन चीज़ों के द्वारा पौधों का संरक्षण करता है? पौधों का संरक्षण करता है, देखिए सब पौधों का संरक्षण IPM कैसे करता है ये बताना है ना। जी जी बिल्कुल, पौधों का जो संरक्षण है वो IPM किस प्रकार से करता है? IPM का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपका जो जो फसल है उसका टोटल खर्चा कम से कम हो, लागत कम से कम हो, फसल उत्पादन कम अधिक से अधिक हो और पर्यावरण स्वास्थ्य संबंधी या पर्यावरण संबंधी नुकसान ना हो। तो इसके लिए हमें टोटल टोटल पैकेज ऑफ कंप्लीट स्ट्रेटजीज, इट इज सभी स्ट्रेटजीज का एक पैकेज है, इट इज सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। इन सेट ऑफ प्रैक्टिसेस में राइट फ्रॉम आपको सिलेक्शन ऑफ लैंड से लेके सॉइल ट्रीटमेंट या सॉइल प्रिपरेशन देन अप टू हार्वेस्ट तक आपको लेना पड़ेगा जी, जिससे सीक्वेंस में जिसका टाइम सपोज फसल की जो है पहले बुआई है, अगर आपको बुआई है तो एक उत्तम किस्म के बीज लीजिए और बुआई से पहले अगर बहुत सारे ऐसे भी बीज हो सकते हैं जिनमें बीज जनित बीमारियां हो, बिल्कुल, तो बीज जनित बीमारियों के लिए आपको पहले से ही बीज का जो उपचार करना पड़ेगा, बीजोपचार करना पड़ेगा। इसी तरह के जब आप बीज बोए जाएंगे तो उससे हो सकता है कि बहुत सारे बीजों का बोने का तरीका है कि भाई पौधे तो पौधे लाइन से लाइन कितनी दूरी, ये सारी चीजें हमारे जो एकीकृत नासी जीव प्रबंधन की समग्र सिफारिशें हैं, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस जो भारत सरकार ने बनाई हैं उनमें ऑलरेडी लिखी हुई हैं, तथा हमारे जो अपने प्रदेश सरकारों के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके पैकेजेस में भी विधियां बताई हैं कि सबसे इस क्षेत्र के लिए कौन सी विधि अच्छी है, कौन सी वैरायटी अच्छी है, कौन कौन से पैकेज प्रैक्टिसेस अपनाना चाहिए जिससे हमारी फसल में जो पौधों का संरक्षण है वो सुचारू रूप से किया जा सके। बिल्कुल राम आश्रय जी, आपके पास हम फिर से वापस आएंगे और पौध संरक्षण से जुड़ी और बहुत सारी बातचीत करेंगे, जानकारियां प्राप्त करेंगे, लेकिन अभी हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें खेती की। IPM में मित्र कीटों का क्या महत्व है और ये किस प्रकार से फसल पर प्रभाव डालते हैं? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है जी, हमारे फसल वातावरण में बहुत सारे ऐसे मित्र कीट पाए जाते हैं जिनको किसान पहचान लेता है, बिल्कुल, और वो अपने दृष्टि से उनको भी एक पेस्ट या नासी जीव मानता है जी, और अपने जिस समय वो दवा का छिड़काव करता है जी। ब्रेक के बाद हमारे इस कार्यक्रम बातें खेती की में आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि प्रकृति में फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीड़ों के साथ साथ हानिकारक कीड़ों को भी मारने वाले कीड़े भी मौजूद रहते हैं जिन्हें मित्र कीट कहा जाता है, जिसके लिए कीट रसायनों का बढ़ता हुआ प्रयोग हमारे स्वास्थ्य और मृदा प्रदूषण के लिए एक समस्या बन रहा है।
तो आइए जानते हैं समस्या का समाधान कैसे किया जाए। राम आश्रय जी, यहाँ पर आईपीएम में मित्र कीटों का क्या महत्व है और ये किस प्रकार से फसल पर प्रभाव डालते हैं? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है जी। हमारे फसल वातावरण में बहुत सारे ऐसे मित्र कीट पाए जाते हैं जिनको किसान पहचानता नहीं है, बिल्कुल, और वो अपने दृष्टि से उनको भी एक पेस्ट या नासी जीव मानता है, जी और अपने जिस समय वो दवा का छिड़काव करता है जी तो उससे जो हानिकारक कीट होते हैं उनके साथ साथ मित्र कीट भी मर जाते हैं। जी हमें ज़रूरत है किसान को ऐसे मित्र कीटों की पहचान कराने की जी कि साहब ये मित्र कीट है आपका और ये शत्रु कीट है, जी इस कीट को आपको कैसे बचाना है। जी यहाँ पर अगर हम किसी खस खेत में जाएंगे, फसल वातावरण में जाएंगे, तो वहाँ आपको देखने में चार तरीके के मित्र कीट मिलेंगे। जी पहला मित्र कीट, आप लोगों ने, आपसे मैं एक एक सवाल करता हूँ साहब, मकड़ी देखी है आप लोगों बिल्कुल ने? देखी है है? सर जी। क्या है वो, नुकसान करती है फायदा करती है? बिल्कुल सर, नुकसान करती है। नहीं साहब, वो हमारे किसानों की मित्र है, जी और एक मकड़ी एक दिन में बहुत सारे कीटों को खाती है। बिल्कुल, तो क्योंकि अगर आम तौर पर अगर देखा जाए तो आम तौर पर हमने देखा है कि जो मकड़ी है अगर वो हमारे शरीर के किसी अंग पर बैठ जाए या हो जाए तो हमें बहुत सारी हानियां और दिक्कतें हो खेत जाती में हैं। दो तरह की मकड़ियां होती हैं, जी एक वो मकड़ी होती है जो जाला बनाती है, दूसरी बिल्कुल वो मकड़ी होती है जो प्रीडेटरी या शिकारी मकड़ी जिसको बोलते हैं जी वो जी शिकार करती है। जी दोनों तरीके की मकड़ियां खेतों के अंदर पाई जाती हैं, और ये दोनों जो तरह की मकड़ियां हैं खेतों में पाई जाने वाले छोटे छोटे जो कीड़े हैं उनका भक्षण करके और जी उनका संख्या को रेगुलेट करती हैं, जी उनको कम करती हैं। तो हमें मकड़ियों के मित्र समझना चाहिए और जी किसानों को बताना चाहिए कि ये मकड़ियाँ हमारी मित्र हैं, जी इनको ना मारें। बिल्कुल दूसरा जो हमारे दूसरे तरह के जो मित्र कीट होते हैं वो इंसेक्ट पैरासिटॉइड होते हैं, ओके जो बहुत सारे जो हमारे नासी जीव हैं उनको पैरासाइट करके, परजीवी होते हैं, परजीवी उनको कहते हैं जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर तीन वजह से डिपेंड करता है, सर्च ऑफ फूड मटेरियल, कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल, जी और ये जब हम निर्भर करता है हाँ हाँ तो उसको हम परजीवी कहते हैं। जी शेल्टर के लिए तीन जी तरीके से जब आप निर्भर करते हैं तो उसको परजीवी कहते हैं। जी तो परजीव बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमारे मित्र कीट दूसरे हानिकारक कीटों के ऊपर परजीवी का काम करते हैं। एक बहुत उदाहरण तो बहुत अच्छा उदाहरण है इसमें, गन्ने के खेत में शुगर केन पारेला का नाम सुना होगा आपने। बिल्कुल पारेला बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण चूषक जीव है, चूषक कीट है, जो गन्ने के अंदर बहुत पैदा जल्दी होता है, जो बिल्कुल जिससे में नुकसान करता हाँ है हाँ और उसकी शुगर रिकवरी को डाउन करता है। जी आप जितने भी शुगर के फैक्ट्री से या शुगर केन ग्रोइंग वाले क्षेत्र थे उनके अंदर हमारे निदेशालय ने, वनस्पति संरक्षण संग्रह एवं संगरोध निदेशालय ने, ये 70s में ही एक काम किया था कि उनका एक पैरासाइट एपीरिकानिया मेलानोल्यूका जी सभी शुगर केन ग्रोइंग एरियाज में उनका कॉलोनाइजेशन, उनका इस्टेब्लिशमेंट कर दिया था। जी इसके प्रभाव से, इसकी वजह से जब भी वहाँ पर कोई पारेला की समस्या आती है, शुगर केन का पारेला की समस्या आती है, जी तो ये कीड़ा अपने आप डेवलप करके और शुगर केन पारेला को अपने आप कंट्रोल कर देता है, जिससे उस एरिया में शुगर केन के ऊपर पहले जो है वो एरियल स्प्रेइंग की जाती थी, जी हवाई छिड़काव किया जाता है, जी तो लाखों रुपए करोड़ों रुपए हवाई छिड़काव में खर्च नष्ट होते हैं, होता है, बिल्कुल होता था, अब वो नहीं होता है। नहीं होता तो है इस वजह से शुगर केन पारेला का जो हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम से, जी तीसरे तरह का जो हमारे पास फसल वातावरण में मित्र कीट पाए जाते हैं उनको कहते हैं इंसेक्ट प्रीडेटर। जी बहुत सारे इंसेक्ट कीड़े ऐसे होते हैं जो दूसरे कीड़ों का भक्षण करते हैं, जी जैसे मकड़ी भी एक प्रीडेटर है लेकिन वो इंसेक्ट नहीं है। जी इंसेक्ट में और मकड़ी में अंतर इतना ही है कि मकड़ी में 8 टांगे होती हैं और इंसेक्ट में 6 टांगे होती हैं, बिल्कुल तो ये बिल्कुल एक अंतर है अंतर अगर है पूछा जाए। तो बिल्कुल बहुत सारे ऐसे परभक्षी जीव होते हैं जो अपने फसल वातावरण में पाए जाने वाले नासी जीव की विभिन्न स्टेजेस को भक्षण करते हैं, जी उनको प्रीडेटर करते हैं। बिल्कुल तीसरे तरीके के जीव होते हैं वो होते हैं पैथोजेंस। जी बहुत सारे ऐसे जीव हैं, बहुत सारे ऐसे फफूंदी हैं या जी निमेटोड हैं जी या बहुत सारे निमेटोड वगैरह इस तरीके के हैं जो
दूसरे जीवों के ऊपर जो हानिकारक जीव हैं उनके ऊपर बीमारी पैदा करते हैं। न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस हमारे जो बहुत सारे जहाँ पर लेपिडॉप्टरन इंसेक्ट हैं उनके ऊपर एक वायरस पैदा बीमारी करता है जिससे वो मर जाता है। और अगर उन मरे हुए जीवा जो मरे हुए कीड़े हैं उनको इकट्ठा करके उनको क्रश करके पानी में मिलकर मिला करके उनको फिल्टर करके दोबारा उसको हम यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये चार तरीके के जो हमने आपको जो मित्र कीट या मित्र जीव जो हमारे फसल वातावरण में पाए जाते हैं वो हमारे नाशिकारक जीवों की संख्या को रेगुलेट करने में उनको नियंत्रण करने में मदद देते हैं। बिल्कुल राम आश्रय जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल, क्या आप किसान भाइयों को पौध संरक्षण से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे? देखिए साहब, एक तो प्रो पेस्टिसाइडल माइंडसेट को आप खत्म करें जी, और जितने भी हमारे जीव हैं चाहे उसमें नासी जीव है या आपका यूजफुल जीव है उनके प्रति हम एक संवेदनशील बने जी। और तीसरा बात यह है कि जितने भी आईपीएम इनपुट्स हैं उनको भारत सरकार किसानों को उनके लेवल तक, गांव के स्तर तक, किसानों के स्तर तक पहुंचाए। अगर ये चीज़ें कर लिए, तीसरी चीज जो अगली चीज है वो ये है, इसमें एक स्ट्रांग पॉलिटिकल विल पावर और चाहिए और ब्यूरोक्रेटिक सपोर्ट चाहिए। अगर हम इस चीज़ों के अगर ये हम करते हैं तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी, प्लांट प्रोटेक्शन के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। बिल्कुल राम आश्रय जी, जिस तरह से यहाँ पर राम आश्रय जी ने बहुत ही चंद शब्दों में अपने बात को बयां कर दिया है वो यही है कि अगर आप कम लागत में अच्छी फसल पैदा करना चाहते हैं और अच्छा मुनाफा करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको एक छोटी सी चीज़ पे ध्यान देना होगा, वो चीज़ ये है कि आपको पौध संरक्षण कैसे करें इससे जुड़ी सभी जानकारियाँ हो। यानी कि हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक होने की ज़रूरत है और मुनाफा और जो हमारी उत्पादकता है वो अपने आप बढ़ जाएगी। राम आश्रय जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जिस प्रकार से राम आश्रय जी ने अपने कुछ शब्दों से बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं, ये जानकारियां आप सभी किसान भाइयों के लिए लाभदायक हो सकती हैं। तो आज के इस अंक में बस इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 01204980011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिख भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या WhatsApp करें 9769577049 पर।